हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको गुड़ की मीठी चूरी बनाना सिखा रही हूँ। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी उनका मन करता है मैं उन्हें बना के देती हूँ। इसके लिए मैंने रोटियाँ ले ली हैं, उन्हें थोड़ा मोटा बनाया है, नॉर्मल से थोड़ा सा मोटा बनाया है और गुड़ को मैंने चाकू से स्क्रेप कर दिया। आई हैव स्क्रेप द गुड़ विद द नाइफ and I have taken 6 rotis. I have taken 1.5 teaspoon ajwain and I have taken around 1 cup ghee. So let's start making this. This is very easy. First of all, आप इन रोटियों को छोटे टुकड़ों में काट दीजिए, तोड़ दीजिए. Break the rotis into small pieces. If you want, you can use the mixer also. But I like the rough pieces, so I'll be using my hands. इन सब रोटियों को आप छोटे टुकड़ों में कर दीजिए. ब्रेक द रोटीज इंटू स्मॉल पीसेस, ऐसे करके आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए. ये रोटी थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि सॉफ्ट रहेगी. इस रोटी पे आप अब गुड़ डाल दीजिए. ऐड गुड़. If you want, you can add शक्कर or sugar also, but I use गुड़. अगर आप चाहें तो आप चीनी या शक्कर भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से ये बहुत टेस्टी बनती है. सो जो गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में काटा है मैंने उससे इसमें मिक्स कर दिया है. अब मैं इसमें अजवाइन डालूँगी और इसमें मैं देसी घी डालूँगी, अराउंड 1 cup. 1 cup के लगभग देसी घी डालूँगी. अब मैं अपने हैंड से इस सारे मिक्सचर को मिक्स करूंगी. इन्हें धीरे धीरे हिलाते हुए मिक्स कीजिए. थोड़ा थोड़ा दबा के मिक्स द रोटी इनटू द घी मिक्सचर. इफ यू फाइंड इट मेसी यू कैन यूज अ मिक्सर, but I prefer the pieces in the raw form only. So इसे ऐसे mix करते रहिए. So इसे ऐसे mix करते रहिए. कुछ ही देर में ये सारे mix हो जाएंगे. अब ये ऑलमोस्ट छोटे हो गए हैं और इन्होंने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है. लीजिए, अब ये छोटे हो गए हैं. अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, बट मैं इसके लड्डू फॉर्म बनाती हूँ. इसको छोटे छोटे लड्डू बना दीजिए जिससे खाने में आसान होते हैं. Make small laddus out of this mixture and they are ready to be served.